सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली वेट ओवर हो चुका है और दोस्तों आज हमें यहाँ पर शाम को यहाँ पर TMRCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में TMRCB का छठा महा मुकाबला होते हुए दिखाई देने वाला है। और दोस्तों, इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीम्स के जो फैन है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TMRCB के बारे में, जिसमें क्या दोस्तों TMRCB को लेकर काफी बड़ी बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है, जिसमें क्या दोस्तों TMRCB के अंदर खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री को लेकर और दोस्तों इसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल हर्षल पटेल को लेकर और दोस्तों इसी के साथ TMRCB के प्रैक्टिस कैंप को लेकर काफी बड़ी बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आई है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है RCB के फैंस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं RCB के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं IPL 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और IPL जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्लिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है TMRCB की जो आज की प्लेइंग 11 बनेगी उसमें नए प्लेयर की एंट्री को लेकर। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जिन चार ओवरसीज खिलाड़ियों को यहाँ पर TMRCB आज के मुकाबले मौका देगी, उनमें दोस्तों तीन तो डेफिनेटली कंफर्म है कि यहाँ पर दोस्तों एक तो होने वाले हैं मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, दूसरे होंगे दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल है, और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर जो तीसरे होंगे वो होंगे काइल जेमिसन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर चौथा कौन सा ओवरसीज खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अब सिर्फ यहाँ पर TMRCB के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी का यहाँ पर दोस्तों यानी यहाँ पर फिन एलन, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बचता है यहाँ पर ऑलराउंडर का यानी दोस्तों यहाँ पर डैनियल सैम्स। और दोस्तों, अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर TMRCB की जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टीम को जरूरत है एक बढ़िया यहाँ पर हिटर की, बल्लेबाज की। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर आज के मुकाबले के अंदर यहाँ पर TMRCB फिन एलन को मौका देने का विचार कर रही है। और दोस्तों, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर TMRCB आज के मुकाबले के अंदर फिन एलन को डेफिनेटली मौका देगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर फिनलैंड के खेलने के मुकाबले के बहुत चांसेस बन रहे हैं, और दोस्तों यहाँ आज फिनलैंड को ना बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाना भी होगा अगर उनको मौका मिलता है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिनलैंड अगर यहाँ पर आज के मुकाबले में खेलते हैं तो यहाँ पर यह TMRCB का डिसीजन सही रहेगा कि नहीं, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, बात करूं हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है TMRCB के प्रैक्टिस कैंप को लेकर। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले मुकाबले के अंदर यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल स्पिन के आगे यहाँ पर दोस्तों आउट हुए थे, यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा की गेंद पर यहाँ पर दोस्तों बोल्ड हो गए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों आज देखा गया, और दोस्तों उस मुकाबले के बाद ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ग्लेन मैक्सवेल है वो लगातार दोस्तों स्पिन के आगे बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दोस्तों अपने स्पिन वाले जो कमजोर पक्ष है उसको अगर मजबूत करने की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब काफ़ी ज़्यादा तैयारी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में लीन है पर फिलहाल की कंडीशन में ग्लेन मैक्सवेल, और दोस्तों आने वाले मुकाबलों के अंदर वो दोस्तों और भी बढ़िया प्रदर्शन करना चाहते हैं, और दोस्तों इसीलिए वो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि यहाँ पर दोस्तों पिछले मुकाबले की हार के बाद यहाँ पर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल अपनी तैयारियों में और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है TMRCB के लिए, क्योंकि दोस्तों अब ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर उनका इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना और अपने आप को अपनी फॉर्म को सुधारने की कोशिश में लगे रहना, ये दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आती है TMRCB के लिए। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियन दोस्तों, आपको लगता है कि आज के मुकाबले के अंदर आप ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से कितने रन निकलने वाले हैं आपके मुताबिक, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी के साथ एक और खिलाड़ी है जिनकी यहाँ पर फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है दोस्तों पिछले मुकाबले के बाद, और दोस्तों काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं,
और दोस्तों ये है यहाँ पर हर्षल पटेल। जी हाँ दोस्तों, पिछले मुकाबले में यहाँ पर दोस्तों हर्षल पटेल को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पिछले मुकाबले में जो लास्ट ओवर रहा था उसमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने उनकी यहाँ पर ओवर के अंदर 37 रन बनाए थे, जो कि दोस्तों आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्रिस गेल हैं जिन्होंने यहाँ पर इतने रन बना रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों इतना महंगा ओवर, वो भी यहाँ पर पर्पल कैप होल्डर के दावेदार के सामने। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर इस बात को यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया और दोस्तों ने प्रैक्टिस में जी जान झोंक दी है। दोस्तों आपको बता दूं काफी जी जान से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हर्षल पटेल। और दोस्तों आज के मुकाबले में यहाँ पर खतरनाक कमबैक देखने को मिलने वाला है इन दोनों खिलाड़ियों का, ग्लेन मैक्सवेल का और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हर्षल पटेल का। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके मुताबिक आज हर्षल पटेल कितनी विकेट लेने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है टीम आरसीबी के खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर टीम आरसीबी को दो बहुत ही बड़े झटके लग चुके हैं आईपीएल 2021 के लिए। दोस्तों एक तो यहाँ पर केन रिचर्डसन और दूसरे यहाँ पर एडम जंपा, दोनों ही यहाँ पर टीम आरसीबी से विदा हो चुके हैं आईपीएल 2021 के लिए, यहाँ पर अनअवेलेबल हो चुके हैं। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टीम आरसीबी की रिप्लेसमेंट की तलाश में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी को बढ़िया स्पिनर की गेंदबाज की काफी ज्यादा नीड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युजवेंद्र चहल ही है जो कि यहाँ पर टीम आरसीबी के लिए बड़े स्पिनिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और यहाँ पर गेंदबाज की आवश्यकता है, पर टीम आरसीबी को इसी के साथ एक और डेथ ओवर गेंदबाज की भी जरूरत है। और ऐसी कंडीशन में टीम आरसीबी किसी बढ़िया यहाँ पर गेंदबाज की तलाश में है। और दोस्तों अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीम आरसीबी की तरफ कायस अहमद की एंट्री होती हुई दिखाई दे सकती है, इसके बहुत ही चांस नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज यहाँ पर टीम आरसीबी दे सकते हैं यहाँ पर फैंस को, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डेथ ओवर गेंदबाज की एंट्री होने वाली है टीम आरसीबी के अंदर। दोस्तों आपके मुताबिक कौन हो सकता है, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको आज की यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबर के बारे में बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर